बुआ मैं कहीं नहीं जा रही बाबा को छोड़ के, समझी आप? और आप क्यों कहती हैं कि बाबा तन्हा हैं? हम नहीं हैं बाबा के साथ? आप क्यों इनकी दूसरी शादी कराना चाहती हैं? अरे बुआ आप इस वक्त, असल मुझे तुमसे सारा के मतलब कुछ बात करनी है। बैठे प्लीज। एसन, सारा बार बार शादी के लिए चीजें ऑर्डर कर रही है और फिर कैंसिल भी कर देती है। शादी में अभी वक्त ही कितना रहा है, पैसे और वक्त दोनों बर्बाद हो रहे हैं। आपका शिकवा बजा है पर मैं क्या करूं बुआ, मैं उसकी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात आप ही ठीक कर रही हैं। तुम उसकी बेजा फरमाइशी पूरे करके उसे शह दे रहे हो। बिन माँ की बच्चियां हैं। मैं रोक टोक करके उनको नाराज नहीं करना चाहता। सोच रहा हूँ बेला की शादी के बाद मैं सारा के लिए कोई अच्छा लड़का पसंद कर लूँ। सारा अभी शादी के लिए राजी नहीं होगी, अभी उसका बीबीए कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन मैं जल्द से जल्द अपने फर्ज से सबकदोश होना चाहता हूँ। चाहती तो मैं भी यही हूँ, इन बच्चियों की शादियाँ जल्दी अच्छी जगह पर हो जाए ताकि मैं भी रिटायरमेंट लेके अपने बेटे के पास गांव चली जाऊँ। ये क्या सोच रही हैं आप? मैं अब आपको जाने नहीं दूंगा बुआ। मेरा बेटा अब मेरी जुदाई से बहुत परेशान है, उसका इसरार है कि मैं वापस आ जाऊँ। बेला और सारा भी तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने इनको माँ बन के पाला है। सारा तो बहुत अटैच्ड है आपसे, उसको अगर आपके जाने का पता चला तो बहुत बहुत शोर मचाएगी। अब ये घर आपके बगैर कैसे चलेगा बुआ? इस घर को अब एक औरत की जरूरत है, अच्छी और सुलझी हुई औरत जो तुम्हारे लिए अच्छी बीवी साबित हो और इन बच्चियों के लिए अच्छी माँ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई। बुआ प्लीज, मैं पहले भी आपको मना कर चुका हूँ। तन्हा जिंदगी आसान नहीं होती, अभी उम्र पड़ी है, अभी तो इन बच्चियों की वजह से इस घर में कुछ रौनक है, इनके जाते ही तो घर काट खाने को दौड़ेगा। बुआ मैं कहीं नहीं जा रही बाबा को छोड़ के, समझी आप? और आप क्यों कहती हैं कि बाबा तन्हा हैं? हम नहीं हैं बाबा के साथ? आप क्यों इनकी दूसरी शादी कराना चाहती हैं? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। आप क्यों चाहती हैं कि इस घर में कोई और औरत आए और आके मेरी माँ की जगह ले? ऐसा कभी नहीं हो सकता और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। इस दुनिया की कोई और औरत मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती और हम बाबा का प्यार किसी से भी नहीं बांट सकते। सारा, बाबा आप बताएं, क्या आप हमारे होते हुए वाकई लोनली फील करते हैं? नहीं बेटा। आप मामा की जगह किसी को दे सकते हैं? नहीं कभी नहीं, वो तो बस बुआ। सुन लिया आपने बुआ, बाबा को दूसरी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। इन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत को चाहा है, वो इस दुनिया से तो चली गई है लेकिन बाबा के दिल से नहीं गई। और अगर अब आपने आज के बाद दोबारा शादी की बात की ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे सारा, सॉरी बुआ, आप जानती है ना मेरे बारे में बहुत पोजेसिव है ये। नहीं बेटा, जानती हूँ, बच्ची है, मैं इसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती। अभी देखिएगा, थोड़ी देर में आके कान पकड़ के माफी मांगेगी आपसे। पता है मुझे। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.